हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलती हूँ गॉड्स ओन कंट्री केरला। हम लोग जा रहे हैं बेकल, जो बैंगलोर से 8 घंटे की दूरी पर है। सो 5 o'clock मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया बैंगलोर से और अराउंड 4 PM हम लोग पहुँच गए थे बेकल। रास्ते में आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे खाने के। यहाँ मोस्टली रेस्टोरेंट साउथ इंडियन है और खाने के यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हैं। रोड्स एकदम स्मूथ है, वे बहुत ही सुंदर है। एकल फेमस टूरिस्ट स्पॉट है केरला में। ये फेमस है बीचेस, बैक वाटर एंड नेचर लवर्स के लिए। बेकल में हम लोगों ने मालाबार ओशन रिजॉर्ट बुक कराया था। रिजॉर्ट का अपना प्राइवेट बीच है। रिजॉर्ट हम लोगों ने 2 months पहले ही बुक करा लिया था, जिससे हमें ये रिजॉर्ट थोड़ा रीजनेबल रेट में मिल गया। यहाँ पे स्पा, इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल और बीच पे हम कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। खाने के यहाँ साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन दोनों ऑप्शंस थे और इवनिंग स्नैक्स इन्होंने बीच पे सर्व किया गया था। नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे ताकि हम लोग सनराइज़ देख सकें। बीच के पास हम लोगों ने योगा किया और सो इवनिंग एंड मॉर्निंग यहाँ पे बेस्ट टाइम है। हमने बोट हाउस बुक किया था रिजॉर्ट के थ्रू। बोट हाउस थोड़ा कॉस्टली है, अगर यहाँ पे आने का प्लान करें तो ग्रुप में बुक कराएं। यहाँ खाने के और म्यूज़िक का अरेंजमेंट ऑलरेडी कर रखा था बोट हाउस में। बेकल में आप और भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बेकल फोर्ट, अनंतपुरा लेक टेम्पल। मानसून सीज़न में अवॉइड करें यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है। और हाँ, अपने साथ अम्ब्रेला, सनस्क्रीन और एलोवेरा क्रीम ज़रूर लेके आएँ साथ में। मेरा मन कर रहा था यहीं पे रह जाऊँ। हम लोग का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा एंड सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।